कम अड्डा परिसर में बड़ी घटना को अंजाम देने का योजना बनाया जा रहा है। उक्त गुप्त सूचना पर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी जमुई को मेरे द्वारा निर्देश दिया गया कि एक टीम का गठन किया जाए, जिसमें थानाध्यक्ष सिकंदरा, थानाध्यक्ष चंद्रदीप और जो DIU की टीम है हमारी, उन सभी के साथ मिलकर वहाँ पर छापेमारी करने का निर्देश दिया गया। जब वहाँ छापेमारी की गई तो वहाँ पर 4 अपराधकर्मी के पास से 2 लोडेड देसी कट्टा सहित 20 जिंदा कारतूस, 3 मोबाइल पकड़ा गया और अन्य जो अपराधकर्मी थे वो वहाँ से भाग गए। इस संबंध में सिकंदरा थाना कांड संख्या 49/22 दिनांक 10 मार्च 2022 धारा 399-402 भादवी तथा आर्म्स एक्ट के सेक्शन में 9 नामजद, जिसमें 4 गिरफ्तार हैं एवं अन्य 3 अज्ञात के विरुद्ध कांड दर्ज किया गया। जब इन अपराधियों से स्वीकृति बयान लिया गया तो उन्होंने बताया कि 5 से 6 दिन पूर्व में चंद्रदीप थाना अंतर्गत बहछा मोड़ स्थित कुलसुम हड्डी मिल में रात्रि करीब 15-16 व्यक्तियों के साथ मिलकर इन लोगों ने मौजूद गार्ड एवं मजदूर को मारपीट करते हुए उन लोगों के पास से 5 मोबाइल एवं रुपया छीन लिया था तथा धमकी भी दी थी कि जब तक रंगदारी नहीं देंगे तब तक मालिक को यह काम यहाँ पर हड्डी मिल चलाने नहीं देंगे। गिरफ्तार अभियुक्त की निशानदेही पर हड्डी मिल से लूटे गए 4 मोबाइल को भी बरामद कर लिया गया है और गिरफ्तार अभियुक्तों का पूर्व में भी आपराधिक इतिहास रहा, जिसमें आपको चंद्रदीप थाना कांड संख्या 22/22 दिनांक 5 मार्च 2022 धारा 386-387-34 है, चंद्रदीप थाना कांड संख्या 113/20 दिनांक 19 अगस्त 2020 धारा 341-307-34-27-68 है, सिकंदरा थाना कांड संख्या 30/22 दिनांक 15 फरवरी 2022 धारा 392 IPC है, सिकंदरा थाना कांड संख्या 41/22 दिनांक 25 फरवरी 2022 धारा 392-411 भादवी। गिरफ्तार अभियुक्तों की विवरणी है, बबलू कुमार पिता नेपाली यादव साकिन इस्लाम नगर थाना चंद्रदीप, चंदन कुमार पिता श्री हरिचरण प्रसाद साकिन भुआल ताड़ थाना कौवाकोल जिला नवादा, कुलदीप कुमार पिता स्वर्गीय शिवनंदन रावत साकिन पैलबाजन थाना सोनो, कैलाश कुमार पिता भरत यादव साकिन कोरोता थाना जिला लखीसराय। जो बरामद प्रदर्श है वो 2 लोडेड देसी कट्टा है, 20 जिंदा कारतूस है और 7 मोबाइल। कुल कितने अभियुक्त पर प्राथमिकी दर्ज हुई है? कुल 9 अभियुक्तों के ऊपर दर्ज किया गया है प्राथमिकी और उनमें से 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया। ये सर हड्डी मिल मतलब क्या है सर? ये तो बोन वाली फैक्ट्री जो होती है वो वहाँ पे आपको है, उसी के संबंध में आपको पहले भी कोई केस उनके ऊपर ये आपको जो इनके पे तो पूर्व में केस है और आपराधिक इतिहास मैंने बताया आपको। और ऐसा है कि ये जो ईटा भट्टे वाले लोग होते हैं ना, उनके साथ भी ये लोग आपको रंगदारी वसूल करते थे, जो सूचना आई तो इसी पे हम लोगों ने प्लान किया था कि हो सकता है उनकी संलिप्तता, उसी बीच में सिकंदरा में ये सूचना है कि ऐसा ऐसा प्लान किया जा रहा है, तो ये पूरे आम थे। और इवन जब हमने जो हमारे इन लोगों ने जब इसको पकड़ा तो जो पिस्टल था उसमें लोडेड था, मतलब खतरों से खाली नहीं था, उसमें इन लोगों ने बहुत ही अच्छा कार्य किया है और SDPO जमुई भी बधाई के पात्र हैं जिन्होंने इतना अच्छा कार्य किया। थैंक यू सर। सर एक नक्सली अनिल यादव के एक शख्स को गिरफ्तार किया गया, उसके फैमिली वाले का कहना है कि ऐसा कुछ नहीं है, घटना के दिन वे लोग बीमार थे, उसका क्या ये मामला है? उसके संबंध में अभी अनुसंधान किया जाएगा और जो भी आपको उसमें जांच पड़ताल करनी है उसके लिए SDPO झाझा जो है उनको दिशा निर्देश दे दिया है मैंने, और आगे देखते हैं जो भी उसमें निकल के आएगा उस हिसाब से कानूनी कार्रवाई करें। सर उनका कहना है कि क्योंकि इनके जो भाई हैं, जो महिला हैं, उनके भाई शीर्ष नक्सली नेता है अरविंद यादव, उनके बनमुई होने के कारण उनकी गिरफ्तारी हुई, कोई केस नहीं है? नहीं, देखिए प्रतिरक्षा साक्ष्य में जो भी ये लिखित तौर पे मुझे देंगे उसके तहत मैं जांच पड़ताल कराऊंगा और अगर टावर लोकेशन और एविडेंस के हिसाब से अगर कुछ आता है कि इनकी संलिप्तता उसमें नहीं है तभी आगे अग्रतर कार्रवाई करेंगे। सर जम्मू में आए दिन लगातार अपराधियों के द्वारा लगातार लूटपाट की घटना को अंजाम दिया जा रहा है सर, तो इसके लिए क्या कहेंगे? जिस तरह से घटनाएं हो रही हैं उसी तरीके से पुलिस भी चौकस बढ़ा रखा है पुलिस ने और लगातार छापेमारी हम लोग कर रहे हैं और बहुत जल्द जितनी भी लूट की। जमुई टुडे की खबरों से तुरंत अपडेट रहने के लिए डाउनलोड करें प्ले स्टोर से जमुई टुडे ऐप। अगर आप वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं तो प्लीज हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस कर लें ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। इसी के साथ अगर आप हमारे वीडियो को Facebook पेज पर देख रहे हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर